हाय एवरीवन आज बात करते हैं इंटरकोर्स के समय पेन होना यानी कि डिस्परोनिया इसका मेडिकल टर्म होता है डिस्परोनिया यानी कि जब आप इंटरकोर्स करते हैं अपने पार्टनर के साथ सेक्स के समय आपको पेन हो रहा है अब ये पेन ज्यादातर फीमेल्स को होता है और मैं बीइंग अ गायनोकोलॉजिस्ट मैं इस चीज़ से ज्यादा डील करती हूँ कि मेरे सारे पेशेंट्स फीमेल होते हैं मेल्स को पेन इतना नहीं होता जितने कि उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस होते हैं तो आज हम बात करेंगे कि सेक्स के समय पेन क्यों होता है क्या कारण होते हैं किस तरह का पेन हो सकता है और उसकी रेमेडीज होम रेमेडीज क्या है और क्या दवाई लेनी चाहिए Okay. तो सेक्स के समय पेन को अगर हम देखें तो बहुत तरह तरह के पेन होते हैं या तो इनिशियली एंट्री के समय पेन है और उसके मैं रीज़न बताऊंगी क्या हो सकता है बाहर के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं कोई अल्सर है कोई इन्फेक्शन है, है या फिर आपको डीप पेनिट्रेशन पे पेन हो रहा है डीप पेनिट्रेशन में जब आपका सर्विक्स टच होता है यानी कि यूट्रस का मुंह टच होता है तो पीछे बैक में पेन जाता है या फिर आपको उस एरिया में पेन ना होकर आपको सेक्स के समय यूरेथ्रा यानी कि जो ब्लैडर है जो यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ यूरिन स्टोर होती है या फिर पीछे रेक्टम है वहाँ पेन हो रहा है या फिर आपको एक पर्टिकुलर पार्टनर के साथ पेन हो रहा है कई बार होता है हैं अभी शादी नहीं हुई है दो तीन पार्टनर है तो आपको एक पार्टनर के साथ पेन हो रहा है दूसरे के साथ नहीं हो रहा है या फिर आपको टैम्पोन्स लगाते समय या पैड्स यूज करते समय ज्यादा पेन होता है पीरियड्स में ज्यादा पेन होता है वैसे पेन नहीं होता और इतना शार्प स्टैबिंग पेन होता है ऐसा लगता है किसी ने बिल्कुल नीडल या कोई नाइफ या चाकू लगा दिया हो बेचारा में इतना पेन होता है या फिर साथ में आपको इरिटेशन हो रही है इचिंग हो रही है बर्निंग हो रही है ये तरह तरह के पेन हैं जो कि सारा एक कैटेगरी में आता है लोअर एबडोम पेन पेल्विक पेन या फिर डिस्परूनिया क्योंकि जब सेक्स के साथ उसको रिलेट करते हैं तो डिस्परूनिया बन जाता है अब इसके कारण क्या होते हैं सबसे पहले तो आप मान लो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई स्ट्रेस आपने ले रखा है आपके पार्टनर से नहीं बन रही है या फिर आप अंदर से परेशान है या फिर आप शुरू से बहुत डरे हुए हैं या फिर आपके साथ कोई अब्यूज़ हुआ है बहुत सारी अपने पिक्चर्स भी देखी होंगी चाइल्ड अब्यूज़ के समय उस समय लड़कियों में एक डर बैठ जाता है उसको वैजिनिसमस बोलते हैं एक तरीका एक वो पेन साइकोलॉजिकल पेन होता है जो कि एक्चुअल और कोई रीज़न नहीं है तो स्ट्रेस वाला पेन हो गया साइकोलॉजिकल पेन हो गया आपको एरोज uh, होने में प्रॉब्लम हो रही है और नहीं आ रहा तो आपको पेन होता है सेकेंड होता है ड्राइनेस ड्राइनेस बड़ा ही कॉमन रीजन है ड्राइनेस मीनोपोज की वजह से भी हो सकती है 40 45 के बाद जब आपके हॉर्मोन्स सारे डाउन जाते हैं तो आपको अंदर ड्राइनेस होती है या फिर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है या फिर कोई स्किन डिसऑर्डर है अल्सर है या फिर कोई ऐसी आप दवाइयाँ ले रहे हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल यूरिन कंट्रोल करने के लिए जो यूरोलॉजिस्ट हैं जो पेशा आपके डॉक्टर हैं यूरिन बार बार जिनको लगता है उसके लिए उसको कम करने के लिए एक टैबलेट देते हैं टोल जिसकी वजह से आपका मुंह ड्राई हो जाता है आपकी आंखें ड्राई हो जाती हैं और साथ में बिजाना भी ड्राई हो जाता है या फिर आपको क्रैक्स हो रखे हैं इचिंग हो रखी इन्फेक्शन हो रखा है जिस वजह से ड्राइनेस भी हो रही है और आपको पेन भी हो रहा है किसी किसी केस में जहां पर वहां पर सर्जरी हुई है जैसे आपकी डिलीवरी हुई है वहां हो गए स्टिच लगाए या फिर आपको दी गई है डिलीवरी के समय देते हैं ना बच्चे का सिर जब निकलता है तो कट लगाते हैं वो ठीक से हील नहीं हुई है या फिर किसी और तरह की सर्जरी हुई है जिसकी वजह से रेफर्ड पेन हो रहा है भाई उस एरिया में जब आप सेक्चुअल इंटरकोर्स करते हो तो पेन सिर्फ उसी एरिया में नहीं होता वो रेफर होता है इधर उधर तो जहां भी कोई ऐसा एरिया होगा जहां पर आपकी सर्जरी हुई है वो पेन वहां रेफर हो जाएगा कैंसर की कोई रेडिएशन हुआ है कोई कीमोथेरेपी चली है इस तरह की चीज़ों में आपको पेन होगा कभी कभी कुछ ऐसे केस होते हैं जिसमें कुछ भी यूट्रस या विजैना से रिलेटेड नहीं है कुछ और ही प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी पेन है फॉर एग्जाम्पल आर्थराइटिस आर्थराइटिस में क्यों पेन होता है क्योंकि आपका जो प्यूबिक एरिया है जहाँ पर विजैना है वहीं पर ऊपर प्यूबिक सिम्फेसिस होता है जो मैंने आपको बताया ना जो नीचे हड्डी होती है जो खुलती है हल्की सी डिलीवरी के समय अगर उसमें आर्थराइटिक चेंजेस हैं तो पेन होगा या फिर आपको एसिड थायरॉयड है आपको कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं आपके टिशूज़ पेन करते हैं यहाँ पर पेन रहता है आपको ये सब थायरॉयड डायबिटीज़ वगैरह में होता है तो इस तरह की न्यूरोपैथिक कंडीशन में भी आपको वेजिनसमस या फिर सिंपल डिसपरूनिया होगा किसी किसी केस में जब आपका पेट साफ नहीं है जब आपको कब्जी रहती है या आपको डायरिया हो रहा है है क्योंकि यूट्रस और सब पास पास ही है, तो कई बार पेशेंट डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते समझ नहीं पाते पेन किस तरह का है जैसे स्पेशली डिलीवरी पेशेंट है अब उसको बार बार पॉटी लग रही है या फिर उसके पेट में आटे आ रहे हैं या उसका यूट्रस में पेन है वो समझना बड़ा मुश्किल है सिमिलरली अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है यानी कि बार बार आपको कभी कब्जी कभी डायरिया इस तरह के पेनज उठते हैं कुछ भी खाते पेन्स उठते हैं तो आपको इवन सेक्स के समय भी पेन होगा क्योंकि सेक्शुअल इंटेकोज में जो पोस्टीरियर विजैनल वॉल है के पीछे आपकी बड़ी आत होती है रेक्टम होता है तो ये सारे पेन जो है रेफर होकर एक तरह से पूरा एक ग्रुप बनता है डिस्परूनिया का यानी कि कि पेनफुल सेक्स कुछ ऐसे हैं जिसमें आपको एरोजल नहीं होता आपको इंटरेस्ट नहीं आता सेक्स में वो भी पेन की तरफ लेके जाते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल पार्टनर से ना बनना पार्टनर की तरफ आपका इंटरेस्ट ना होना या फिर आपको खुद को एक गिल्ट रहना आपने कुछ गलत किया कोई चीज आप छुपा रहे हैं या फिर आपको अपनी बॉडी शेमिंग लग रही है आपको लग रहा है आप अच्छे नहीं लग रहे हैं आपको लग रहा है आप फिट नहीं है ये सारी चीजें कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को बना

ऐसा लगता है हेडेक होते है, किसी का पूरा ड्राई हो जाता है अंदर तो ड्राइनेस की वजह से कई बार सेक्शुअल एरोजल नहीं होता है अब इसका ट्रीटमेंट आप क्या करेंगे होम रेमेडीज क्या है पहली बात तो आप अपने पार्टनर से खुल के बात करें कोई भी चीज़ छुपाए ना अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है यह आपका बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप है आपके पार्टनर को पता होना चाहिए कि आपको पेन हो रहा है अगर आपको इन्फेक्शन है आपको अल्सर्स बने हुए हैं या फिर किसी और रीजन से आप साइकोलॉजिकली रेडी नहीं है तो पार्टनर हैज़ टू तो बी कोऑपरेटिव इन्फेक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट होगा एंटी फंगल्स लगेंगे एंटी बैक्टीरियल्स लगेंगे अगर कोई कट है कोई स्टिच की जरूरत है तो वो लगेगा अगर कोई लोकल स्वेलिंग है इन्फ्लमेशन है तो डॉक्टर आपको लोकल स्टेरॉइड क्रीम्स देंगे जो कि बड़ी कॉमनली यूज होती हैं या फिर कुछ भी नहीं simple dryness because of एनी रीज़न जो मैंने आपको इतने सारे रीज़न बताए तो ड्राइनेस के लिए बहुत सारे लुब्रिकेंट्स अवेलेबल हैं मार्केट में मैं काफ़ी सारे पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको लोकल क्रीम्स बताई हैं जेलीज बताई हैं ऑयल्स बताए हैं जो अंदर इंसर्ट करने से आपका जो ड्राइनेस है वो कम हो सकता है तो ये सारे कुछ होम रेमिडीज़ है प्लस आपको अपना प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना होगा जैसे आपको इन्फेक्शन ना हो आपको डिलीवरी के बाद कम से कम छः हफ्ते यानी कि डेढ़ महीने तक हस्बैंड के साथ नहीं रहना है क्योंकि आपको डिलीवरी के बाद पूरा भले ही स्टेच लग लगे आपके भिजाना बहुत फ्राइबल हो जाता है सब कुछ इतना बड़ा

का यूज करना बहुत जरूरी है अगर आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है या फिर आप अगर एक पार्टनर के साथ स्टैटिक नहीं है तो सेक्शुअली ट्रांसमिटेडीज एस टीडी से बचने के लिए कॉन्डोम बहुत जरूरी है किसी किसी केस में गायनी के कोई प्रॉब्लम यानी कि यूटरस के अंदर कोई गांठ है फाइब्रॉइड है एंडोमेट्रियोसिस है ओवेरियन सिस्ट है कभी कभी यह भी आपको पीछे पाउच ऑफ डगलेस यानी कि यूटरस के पीछे आके चिपक जाती है जिस वजह से आपको पेन होता है तो प्रॉपर गायनिक चेकअप जरूरी है आपको मैंने सारी रीजन बता दिए क्या रीजन होते हैं अगर सब कुछ नॉर्मल आता है तो फिर आप लोकल क्रीम्स यूज कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा मेरे को मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं और मेरे से कंसल्ट करने के लिए वीडियो कॉल या वॉइस कॉल आप मेरी वेबसाइट पर जाके कंसल्ट कर सकते हैं बुक कर सकते हैं या फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए थैंक यू